देखिए हमारा चैप्टर है ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर, ठीक है ना। वहां क्यों बैठ गए तुम, बुक लाया ज्योग्राफी की? भूगोल पता है ना, भूगोल किसको कहते हैं? तो सुनो ध्यान से, हमारा चैप्टर है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। इससे पहले जो आवर कंट्री पढ़ाया था और जो वीडियो भी आपको भेज दी है, तो अक्षांश और देशांतर रेखा अच्छे से समझाया था ना, याद है? तो मैं आपको ये बताऊं कि हमारा जो ग्लोब है, ठीक है, ग्लोब पर जो ऊपर से नीचे लाइन्स आती है ना, ऊपर से जो नीचे लाइन्स आती है उसको हम क्या कहते हैं, कौन सी लाइन बोलते जाओ, लॉन्गिट्यूड लाइन या देशांतर रेखा। और जो दाएं से बाएं मतलब लेफ्ट से राइट आती है उसको क्या कहते हैं, अक्षांश या लैटिट्यूड लाइन। गुड, एक मिनट देखिए। अब देखो अगर आपको अपने बुक में ये ग्लोब दिख रहा होगा, ग्लोब वाली पिक्चर निकालो और ग्लोब की लाइन है ना, अगर उसको मिला के देखो जिस, अरे बुक खोलो ना, बुक निकाली तो थी तुमने, हिंदी से क्या दिक्कत है तुम्हें? वही वही बिल्कुल वही पहली वाली। तो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ऑनलाइन बच्चे देख पा रहे होंगे कि मैंने ये लाइन बनाई है, इसको कहते हैं एक्सिस, झुका हुआ है ना, ठीक है। तुम वहां बैठो ना गुड़िया के बगल में ताकि तुमको बुक दिखे, नहीं बुक लाया तो वहां कहाँ बैठ गए? एक पतली सी ज्योग्राफी की बुक आती है वो भी लेके नहीं आते आप लोग। कल आप ज्योग्राफी की बुक मैं जो भी क्या कहते हैं एग्जाम्पलर और आर्डिसर में याद रखेंगे, सब चीज को लेके आना। हाँ जी, सो ये आपको एक्सिस दिख रहा है ना ग्लोब पे, ये टेढ़ी लाइन जिससे किल से जुड़ी हुई है, लग रहा है ना कि अगर पूरी लाइन जोड़ दो तो टेढ़ी हो जाएगी, मैंने यहाँ तो जोड़ के भी दिखा दिया बच्चों को, यही 66.5 डिग्री है, 66.5 डिग्री का झुकाव। हमारी अर्थ भी अपने एक्सिस पे इसी तरह झुकी हुई है और इसी तरह झुक करके चक्कर लगाती है। इसको ऐसे ही करते एक्सिस अक्ष, ठीक है, इसी एक्सिस पे अर्थ क्या करती है, 24 घंटे में एक बार पूरा रिवॉल्व करती है, ठीक है ना, रोटेट करती है, चक्कर लगाती है, परिक्रमा करती है। इसका जो सबसे ऊपरी हिस्सा है ऊपर का, उसको नॉर्थ पोल कहते हैं और सबसे निचली हिस्से को साउथ पोल कहते हैं। कितने इंटेलिजेंट हैं आप लोग, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब अगले पेज पे आ जाओ, आपको यहां पर जो नीचे वाली पिक्चर दे रखी है गुलाबी वाली, सर नॉर्दर्न इंपेस सर, वो क्या था ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, मतलब कि देखो मैं समझा, ये तो बता रखा है, पढ़ा रखा है आप लोगों को। इक्वेटर जो आपको दिख रही है, इक्वेटर से ऊपर जो भी इलाका होगा नॉर्थ का, उत्तर का, उसको उत्तरी गोलार्ध या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। सर्कल में पढ़ाया तो है, आधे गोले को हेमिस्फीयर कहते हैं, तो ये पूरा एक गोले की तरह अर्थ है हमारा, तो इसको इक्वेटर बीचों बीच काट देगा तो आधा ही गोला ऊपर रहा ना, तो हेमिस्फीयर है, और उत्तर में है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध, क्लियर है, और नीचे वाले को साउदर्न हेमिस्फीयर। बेटा आपने कर लिया वो काम, और एक सब्जेक्ट निकालो आप, इंग्लिश का या ईबीएस का किया आपने, किसका, हिंदी का, एक इंग्लिश या ईबीएस का भी करके दिखाओ, सांस ले लो थोड़ा पहले, ठीक है, लंबी सांस। अब देखिए हमारे अर्थ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट देशांतर रेखाएं हैं, लॉन्गिट्यूड लाइन, और कौन कौन सी अक्षांश रेखाएं या लैटिट्यूड लाइन, तुम्हें समझ में आ रहा है? बोलना नहीं समझ में आएगा तो ठीक है, हमारे स्टूडेंट ज्योग्राफी में नीचे नहीं रहने चाहिए भाई। कौन कौन सी लैटिट्यूड लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था, अगर आप गुलाबी वाले पिक्चर पे देखें तो इक्वेटर आपको दिख रहा है, ये वाली लाइन, एक तो 0 डिग्री इक्वेटर, उसके बाद ऊपर जाएंगे तो 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे वाला ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। कल मेरे को इसका नोट चाहिए होगा, पूरा लिखेंगे आप लोग। उसके बाद बेटा मैंने 66.5 डिग्री नॉर्थ आपको ट्रॉपिक आर्कटिक सर्कल दिखाया था, ऊपर देखिए आर्कटिक वृत्त दिख रहा है ना सबको, और नीचे वाला अंटार्कटिक वृत्त या अंटार्कटिक सर्कल। लेकिन इसमें थोड़ा एक सेकेंड लेवल थोड़ा इंफॉर्मेशन आपके लिए, आप इक्वेटर पे आ जाओ, इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ
और 23.5 डिग्री साउथ अगर आप जाएंगे तो इस जो ये आसमानी कलर या ब्लू कलर वाला जो एरिया है इसको टॉरिड जोन या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, कहते हैं ना, क्या लिखा हुआ है वहां पे? अरे ग्रीन कलर देखो क्या लिखा हुआ है, लाओ लल्लू ऊपर लिखो ना, उष्णकटिबंधीय विषुववृत्त तो होगा ही ना वो, टोरिड जोन का। बड़ा अच्छा आपने पूछा, टोरिड जोन में अधिकतर गर्मियों का मौसम होता है, यहाँ ज्यादा बारिश होगी, यहाँ घने जंगल पाए जाएंगे, एवर ग्रीन फॉरेस्ट या सदाबहार जंगल पाए जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा अर्थ पे सबसे अधिक बारिश यही होती है। तो आपने देख लिया हमारा जो ये इक्वेटर है, इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ मतलब कर्क और मकर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच का जो इलाका है इसी को टॉरिड जोन या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। समझ में आई बात आपको? आप चिंता मत करिए, यहाँ पर सारा इसके अंदर का भी मैं आपको समझाऊंगा, पहले इस मैप पे समझ लो, आप लोकेशन तो समझ में आ गया ना कहाँ पर है। अब 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है वहां मुंह पे नहीं, वहां पिक्चर में देखो, ज्योग्राफी पिक्चर की बात होती है। 20 माने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक सर्कल के बीच का इलाका नॉर्थ टेम्परेट जोन, उष्ण इसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, है ना? अरे लिखा हुआ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, क्या लिखा हुआ है? नॉर्थ और साउथ दोनों में होगा, नॉर्थ में देखो ना तुम, क्या लिखा हुआ है? नॉर्थ टेम्परेट जोन, भगवान, दक्षिणी शीत कटिबंधीय, शीत नहीं शीतोष्ण। अरे कर्क रेखा से 66.5 डिग्री, तुम बहरे हो क्या? समझ में नहीं आती तुम्हें बात? 23.5 से 66.5 के बीच में नॉर्थ में जाओ या साउथ में जाओ, तो नॉर्थ में होगा आपको शीतोष्ण कटिबंध, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और ये दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, मतलब कि नॉर्थ टेम्परेट जोन या साउथ टेम्परेट जोन, दिखा आप लोगों को? उसके आगे जाएंगे 66.5 से पोल की तरफ जाएंगे, तो नॉर्थ पोल की तरफ या साउथ पोल की तरफ जाएंगे तो उसको फ्रिजिड जोन या शीत कटिबंध कहते हैं। अब तो क्लियर है ना, समझ में आ गया? इस चीज को कभी मत भूलना, बड़े बड़े लोगों को अभी पूछ लो ना, मुंबा नहीं है ये क्या पूछ लिया, पता ही नहीं उनको। और इसी के ऊपर पूरे के पूरे अर्थ का हमारा क्लाइमेट भी डिपेंड करता है। समझ में आई बात आपको? ये समझ में आया नहीं, देखते जाइए। 0 डिग्री से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच की बात करते हैं, इनके बीच में होता है टॉरिड जोन या उष्णकटिबंध। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है, इसके बीच की बात करें तो ये हो जाएगा आपका टेम्परेट जोन या शीतोष्ण कटिबंध। और 66.5 से पोल की तरफ नॉर्थ पोल या साउथ पोल की बात करेंगे तो इसको शीत कटिबंध या फ्रिजिड जोन। तो 3 जोन हो गए ना, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। ये क्लियर हो गया सर? लास्ट वाला जोन कौन सा था? एक बार और मूंगफली में क्या तुम मसाले छिड़कवा रहे हो? एक बार और सर, लास्ट वाला जोन कौन सा था? फ्रिजिड जोन, देखो ना यार स्क्रीन पे दिख तो रहा है, फ्रिजिड जोन या शीत कटिबंध, ठीक है, जो 66.5 से नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जाता है, ठीक है। ये नोट्स में है ना सारे, मैं ये बनाएंगे पिक्चर सारे, ये मैं टिक कर रहा हूँ यहाँ पर, पढ़ाते समय देख रहे, ये टिक किया मैंने इसको, ये बनाना है आपको, इससे ऊपर वाला रहने देना। देखिए तो आपको 4 के 4 पैरेलल लाइन इंपॉर्टेंट है जो कि याद रखना, ठीक है। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, अंटार्कटिक सर्कल और आर्कटिक सर्कल, 5 याद रखने, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल कोई भी लाइन नहीं है, वो बस एक पॉइंट। क्लियर है? ये समझ में आ रही? एक बॉल लो, बॉल का सबसे ऊपरी सिरा जो होगा, सबसे ऊपरी सिरे पे आप रस्सी लपेट सकते हो, वो तो एक पॉइंट ही होगा ना, एक वहां पे पॉइंट पिन से आप या सुई से बना सकते हो कि ये निशान लगा दिए, ऊपर का छोर ही नीचे का छोर, और उसके हर जगह पे एक रस्सी का छल्ला तो बांध सकते हैं ना, उसके नीचे आएंगे तो। समझ में बात, ये बात मैं कर रहा हूं। तो विषुववृत्त रेखा 0 डिग्री पे, मैं ऊपर की बात कर रहा हूँ, 23.5 डिग्री पे ऊपर अगर कहो तो कर्क रेखा और नीचे तो मकर रेखा। 66.5 डिग्री ऊपर की बात करें 0 डिग्री से नॉर्थ में तो आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक वृत्त, और दक्षिण की बात करें तो अंटार्कटिक वृत्त।
सबसे ऊपर 90 डिग्री जो पॉइंट बनेगा वो आपका नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, और नीचे दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। देखिए, अब देखो मैं आपको बताऊं, अगर कोई बॉल है, ठीक है, आप बुक पेज टर्न द पेज, सामने देखो जो पिक्चर है, टॉर्च से ये जो लाइट मारी गई है दिख रही है ना, तो ऊपर वाले पिक्चर में देखो आप, ये सीधी सीधी लाइट पड़ी है, जहां फोकस है तो ज्यादा लाइट मिल रही है, ठीक है, और ये जब लेट गई, इस बोर्ड को हमने लिटा दिया, सुला दिया है, तो देख रहे हो ना ये लाइट कितनी दूर तक तिरछी पड़ रही है। यही अर्थ, यही सन और अर्थ का कॉन्सेप्ट है। इक्वेटर पे सन की लाइट जो है बिल्कुल सीधी सीधी पड़ती है ऊपर वाले की तरफ। एक बॉल है, फुटबॉल, आप उस पर टॉर्च की लाइट मारो तो जो बाहर निकला हुआ है, बाहर की ओर निकला हुआ, उस पर ज्यादा लाइट पड़ेगी ना, और जैसे जैसे नीचे जाओगे वो क्या कहते हैं, सेंटर की तरफ ऐसे गोले की तरह आर्क की तरह बनती चली जाएगी, तो वहां पे लाइट तिरछी पड़ती चली जाएगी। पड़ रही है ना, अरे किसकी मुंडी काटो कि फुटबॉल बन जाए, है कुछ, किसका मुंडी फ्री का है, कुछ देगा उधार दो मिनट के लिए कोई, अरे रावण बुलाना चाहिए था, दस थे एक तो दे ही देता। चलिए कोई बात नहीं, बिना मुंडी काटे बता देते हैं। आप इस बोर्ड से समझ गए ना कि जब भी कोई चीज स्लैंटिंग हो जाएगी तो उसपे क्या कहते हैं, लाइट कम पड़ेगी, तो यही इसका भी कॉन्सेप्ट होता है। अर्थ का वो जगह जो इक्वेटर से नजदीक होता है वहां गर्मी ज्यादा पड़ती है, क्योंकि सन की लाइट सीधी सीधी जाएगी वहां पे, और जैसे जैसे इक्वेटर से दूर होते जाएंगे तो सन की लाइट तिरछी होती चली जाएगी, तिरछी होती चली जाएगी, है ना, यहाँ पर सीधी पड़ेगी और जैसे जैसे दूर जाएंगे ऐसे ऐसे तिरछी पड़ती चली जाएगी, स्लैंटिंग हो जाएगी, जिस कारण से क्या होगा कि इक्वेटर के नजदीक में, जैसे कि अगर हम 23.5 की बात करें, टॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न, वहां पे ज्यादा गर्मी पड़ती है। मैंने आप लोग को उस दिन भी बताया था, अर्थ अपने एक्सिस पे, ग्लोब वाला फिगर निकाल लो, सबसे पहला पेज देखो, अर्थ अपने एक्सिस पे 66.5 डिग्री झुकी हुई है ना, ग्लोब पे दिख रहा है आपको, एक सेकंड, ठीक है, तो इस झुकने के कारण क्या होगा, अर्थ पर कहां पर केवल 90 डिग्री का एंगल बन सकता है सन का, कौन बच्चा बताएगा, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में कहीं पर, यहीं पर केवल 90 डिग्री बनेगा, उसके ऊपर कभी नहीं बन सकता, क्योंकि उसके ऊपर जो लाइट जाएगी पोल्स वाले इलाके पे ऊपर या नीचे की ओर, तो वो तिरछी होती चली जाएगी, सीधी कभी नहीं पड़ सकती। इसी कारण से हम लोग टॉरिड जोन या जो हीट जोन जो होता है अर्थ का, वो कहां उसको मानते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, समझ आई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा के बीच में साल में कभी ना कभी सूरज की सीधी किरणें पड़ती है, 90 डिग्री का एंगल बनता है ना लाइट बीम्स का, इसी कारण से हम लोग इसको क्या कहते हैं, टॉरिड जोन या उष्णकटिबंध या हीट जोन या उष्णकटिबंध, क्लियर है, ओके, लिखना है बेटा चित्र से इसको। देखो अब आप 23.5 डिग्री मतलब कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो पिक्चर निकाल लो गुलाबी कलर वाला, हाँ वो, अब अगर आप कर्क रेखा से या टेम्परेट जोन दिख गया ना, समझ में आ गया होगा, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से आर्कटिक अंटार्कटिक सर्कल, पिंक कलर वाला जो आपको दिख रहा है इस पे, ये पिंक कलर वाला टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन में क्या होता है, जैसे जैसे वहां पर ना सूरज की किरणें 90 डिग्री का एंगल ना बना के स्लैंटिंग पड़ती, तिरछी पड़ती है, तो यहाँ पर इस जगह की तुलना में उष्णकटिबंध या टॉरिड जोन के कंपेयरली यहाँ गर्मी कम पड़ती है, इसलिए शीतोष्ण मतलब यहाँ गर्मी भी पड़ती है और सर्दी भी पड़ती है, दोनों का मिक्सअप पड़ता है, लेकिन टेम्परेट जोन की बात करेंगे अगर हम, सॉरी टॉरिड जोन की, तो यहाँ अधिकतर गर्मी ही गर्मी पड़ती है, क्लियर है, वहां गर्मी ज्यादा पड़ती है, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मैंने पूरा साउथ इंडिया में तो गर्मी ज्यादा पड़ती है। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट मिट्टी,
ठीक है, तुम्हारी बात मैं समझ गया। आप सूरज के मैंने कि जो सागर के किनारे वाले इलाके वहां कम गर्मी पड़ेगी, लैंड वाले पे ज्यादा पड़ेगी, ये कर रहे हो ना, मैं समझ गया आपकी बात को। लेकिन यहाँ पे है ना हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके नीचे ज्यादा गर्मी का मौसम होता है, और नॉर्थ इंडिया में देखते हो ना गर्मी का मौसम फिर कम हो जाता है, छोटी गर्मियां पड़ती है। अब अगर हम बात करें तो टेम्परेट जोन फिर से बताते हैं, द मिडडे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लेटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कर्क रेखा और मकर रेखा के ऊपर या नीचे अगर जाते हो तो मैंने टेम्परेट जोन गुलाबी वाले पिक्चर की बात कर रहे थे उसमें जाते हो तो कभी भी सूरज का 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा, मतलब 12 बजे दोपहर में सूरज सर के ऊपर कभी भी नहीं आएगा, ये तो समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ना तो उतनी गर्मियां और ना ही उतनी सर्दियां पड़ती, ना तो टोरिड जोन या उष्णकटिबंध की जितनी गर्मी पड़ेगी और ना ही फ्रिजिड जोन या शीत कटिबंध की जितनी सर्दी पड़ेगी, दोनों के बीच वाला मौसम रहेगा। समझ में आएगी बात आप लोगों को, ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करेंगे फ्रिजिड जोन का, 66.5 डिग्री से जैसे ही ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, ठीक है। तो फ्रिजिड जोन है ना, अंटार्कटिक वृत्त या आर्कटिक वृत्त के ऊपर या नीचे आप जाओगे तो वहां पर सूरज की किरणें बिल्कुल तिरछी हो जाती है, बहुत कम आती है, जिस कारण से वहां पर हमेशा सालों भर सर्दी का ही मौसम अधिकतर रहता है, वहां गर्मियां कभी भी नहीं पड़ती। क्लियर है ना, वो दिख रहा है आपको ऊपर वाला ब्लू कलर वाला जो फ्रिजिड जोन या शीत कटिबंध है, यहाँ पर सूरज की किरणें बहुत ही ज्यादा टेढ़ी पड़ती हैं, तिरछी पड़ती है, जिस कारण से यहाँ पर कभी भी आपको गर्मी का मौसम नहीं होगा, हमेशा सर्दियां ही सर्दियां रहती है। उत्तर दक्षिण दोनों जी, दोनों जगह बेटा, दक्षिण की जो बात करें ना वहाँ अंटार्कटिका है, वहां पर देखते ना हमेशा बर्फी लगती है, और उत्तर की बात करें तो यहाँ सागर है, आर्कटिक सागर है, तो यहाँ पर थोड़ी गर्मी का मौसम जब होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत बर्फ पिघलने लगेंगे। अब तो ग्लोबल वार्मिंग के चलते यहाँ भी बर्फ पिघल रहे हैं, देखिए मेरी बात सुनो, क्लियर हो गया। व्हाट इज अ टोरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन क्या है, और हिंदी में भी बता रहा हूँ आपको, हिंदी बुक आपकी, उष्णकटिबंध क्या होता है, कहाँ तक होता है, एक सेकंड का, शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है और शीत कटिबंध क्या होता है, तीन ही चीज याद रखना, बोल बेटा, हो गया आपका। सर जो यहाँ पे, सर यहाँ पे 120 डिग्री, सर ये है, सर ये माइनस में है या सर ये, सर 120 ही है, किसकी बात कर रहे हो, सर ये ब्लू ब्लू है जो ये जो मैं बनाऊ, अच्छा यार सर इसमें रंग से दिख नहीं रहा सर, मैं समझ गया, कोई बात आप चिंता ना करो, वो हम बताएंगे, अभी उस पे आए नहीं है। मैं ये अक्षांश रेखा क्लियर हो गया ना आपको, सिक्स क्लास में अगर आप इतना भी अक्षांश के बारे में जानते हो, पैरेलल या लैटिट्यूड लाइंस के बारे में जानते हो तो आपके अंदर दम है, ठीक है ना, छठी क्लास के बच्चे नहीं जानते, टीचर पढ़ाएगा नहीं तो पता क्या होगा। अब तो समझ में आ गया, जब भी बेटे समझ में नहीं आया ना तो ये मैंने पाकिस्तानियों के लिए वीडियो नहीं बनाया, आपके लिए बनाया, आप जा करके देख सकते हैं, क्योंकि पढ़ने के अलावा आपको कुछ नहीं करना। मेरे को इसका नोट चाहिए, आगे दिखाते हैं। तो पैरेलल लाइन या लैटिट्यूड या अक्षांश रेखा तो क्लियर हो गया, तीन इंपॉर्टेंट है, तीन चार हमको पता है। अब अगर हम लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखा की बात करें तो आप लोग को पढ़ाया था, जीरो डिग्री देशांतर रेखा या प्राइम मेरिडियन लाइन कहां से गुजरती है, कौन बच्चा बताएगा, मैंने पढ़ाया था, प्राइम मेरिडियन, बोल, लंदन से, कहां से, नहीं लंदन से ही बताया था लाडो, लंदन से कहां से, आप अगर कंफर्म नहीं हो इसका मतलब कि आपको आता नहीं, हाँ जी कुछ बोल रहे हो, क्या खाते हो, बहुत जल्दी काम करते हो, शाबाश, एक मिनट बेटा वेट करना आप लोग, अभी करते हैं देशांतर भी क्लियर करते हैं। एक्चुअली वो जो टाइम वाला था ना, किसी जगह का टाइम, लॉन्गिट्यूड लाइन क्या होता है, देखो दो लॉन्गिट्यूड लाइन में या देशांतर रेखा में, टर्न द पेज, उसको देखिए वो ब्लू वाला सबसे नीचे ग्रीन वाला दिख रहा है ना, तो पूरे वर्ल्ड में हमें क्या देखना होता है, और भी नीचे हो इस मैप पे, इस पिक्चर पे,
ठीक है। देखिए जीरो डिग्री जो देशांतर रेखा होती है या देशांतर वृत्त, रेखा की जगह वृत्त कहिए, लैटिट लॉन्गिट्यूड लाइन, उसको कर प्रधान मध्यान रेखा, मेरा जबड़ा टूट गया बोलने में, या प्राइम मेरिडियन लाइन भी कहते हैं उसको, ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं, क्योंकि इंग्लैंड की कैपिटल लंदन है और लंदन में एक ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी है। ग्रीनविच एक जगह है लंदन में, एक वहां पे ना बहुत बड़ा क्या कहते हैं टावर बना हुआ है, क्लॉक टावर उसके ऊपर, तो उसी से ये लाइन गुजरती है लंदन में। हाँ, इसीलिए इसको हम लोग ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं। इस लाइन के राइट में, कल की वीडियो देखना आप, जो वीडियो बनाई थी 18 मिनट की, हाँ अच्छे समझ में आ गया होगा। उसके राइट में अगर जाओ, इसका मतलब बेटा ये देखो, अगर हम यहां देखें इस साइड जीरो डिग्री के, तो जो भी होगा वो ईस्ट होगा, ठीक है, मतलब पूर्वी देशांतर रेखा, और यहां इस साइड में जो भी होगा वो सारे देखे रहे वेस्ट होगा, मतलब पश्चिमी देशांतर। अब देखो जैसे जैसे आप पूरब की तरफ बढ़ेंगे, लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ, सॉरी जीरो डिग्री के दाहिने साइड, तो हर बार प्लस 4 मिनट होगा, हर देशांतर पे प्लस 4 मिनट बढ़ता जाए। ईस्ट की तरफ बोला हूं ना, आपका राइट क्या होगा, ईस्ट ही होगा ना। हाँ, तो हर देशांतर रेखा के बढ़ने पे 4 मिनट का प्लस में हो जाएगा। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की दूरी, 0 डिग्री से 1 डिग्री, 1 से 2 डिग्री, 4-4 मिनट का डिफरेंस होता है, प्लस करते जाएंगे अगर टाइम पता करना है तो। अगर दोपहर के 12 बजे हैं आपके 0 डिग्री पे, तो 10 डिग्री पे कितने बचेंगे, 12:40, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ रही बात आपको, ठीक है, ये मैंने बता रखा है, कल की वीडियो देखो आप, वीडियो देखी तुमने, गुड, ये क्लियर हो गया। इस पूरे कॉन्सेप्ट को नहीं बताना है मेरे को, जिस तरह मैंने आपको बताया ना आपका टीचर, ये और ये मैप बेटा, व्हाट अ मैप। आपको मैं बता दूं, मैंने अपने यूपीएससी के नोट्स में ना इस मैप को हाथ से बना करके अपने नोट्स बना के लगाया, इतना इंपॉर्टेंट मैप है ये। इस मैप को अच्छे से समझाता हूं, देखिए अरे सारा लाइन टाइम है, देखिए मैं आपको दिखाऊं, यहां पर एक लाइन है, इस पे नहीं दिख रही, एक तो 180 डिग्री की, कितनी 180, जो 180 डिग्री की लाइन है ना उसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, क्या कहते हैं, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन, जी इंटरनेशनल डेट लाइन या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। उस लाइन के हिसाब से हम लोग डेट डिसाइड करते हैं, एक डेट, सुनते मेरी बात तो सुनो ना, एक डे डेट जो होती है, आज कितनी डेट है, 27 जनवरी, आज 12 बजे रात जो हुई, 26 जनवरी के बाद जो 12 बजे रात हुई, उस समय से लेकर के आज के 12 बजे रात तक ये 27 जनवरी रहेगी, पक्का है। तो ये डेट कब चेंज होगा, मतलब जहां पर जिस देश में 12 बजे रात के बाद का टाइम, मैं आपको समझाता हूं, ये टाइम ही तो है डेट डिसाइड करने वाला। तो 24 घंटे का डिफरेंस मतलब पता है कहां हो गया, 180 डिग्री देशांतर तक 24 घंटे का डिफरेंस हो गया, 0 डिग्री से कैलकुलेट कर सकते हैं आप, 184 जा कितना हो जाएगा, और 24 घंटे में जितने मिनट है 3600 ही होना चाहिए सर, समझ गए बात, ठीक है। तो 180 डिग्री लाइन को हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं। ए स्वैग वाले बालक सावास, एक सौ अस्सी में इसी तरह का कुछ कैलकुलेशन होगा, मतलब कि 24 घंटे का नहीं 12 घंटे, सॉरी 180 में 120, रुक जा एक सेकंड, मैं कैलकुलेशन और से अच्छे समझाता हूँ आपको, एग्जांपल दे रखा हूँ इसमें, एक मिनट।
बेटे इसीलिए तो मैं मास्टर हूं आप नहीं। ए क्या कुर्सी कुर्सी खेल रहे हो, आराम से बेटा कुर्सी छोड़। अच्छा इसमें डेट जो नहीं दे रखा डेट लाइन, ठीक है कोई बात नहीं, बताता हूँ मैं आपको दो बात बता दूं। टाइम का तो आप लोग को पहले ही समझा रखा है, फिर भी एक बार और अच्छे से समझाते हैं। यहाँ पर जो ये आगे वाली लाइन है ना, इंटरनेशनल डेट लाइन लिखी हुई है, देखिए यहाँ पे लेफ्ट में बेटा, ये मैप को निकालिए आप लोग, मैप निकालिए अपने, बाया कौन होता है बेटा, लेफ्ट कौन है तुम्हारा, देखो ना उसको, यहाँ अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा लिखा नहीं है, क्या कर रहे हो, ये टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है आपको, सीधा नहीं होगा, दिख रहा है आपको, अब पूछो ऐसा क्यों, सीधा होना चाहिए ना, टेढ़ा क्यों, इसलिए क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर बिल्कुल सीधी हो जाए तो यहां पर है ना आपको दिख रहा होगा न्यूजीलैंड, ये दिख रहा है, सबसे नीचे आ जाओ, दो छोटे छोटे आइलैंड दिख रहे हैं, न्यूजीलैंड है ये, और यहां पर भी कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, और यहां पर जो आपको सबसे ऊपर आओ ये अलास्का का है, सबसे लेफ्ट में ऊपर ब्लू कलर का छोटा सा ईसा 12 और 13 लिखा है प्लस, ये अलास्का है यूएसए का, यहां से अगर ये क्रॉस कर जाए तो यहां पर है ना डेट हर जगह एक नहीं होगी, डेट है ना पूरी दुनिया में एक होना चाहिए, टाइम बेसक अलग हो जाए, इसलिए इस लाइन को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा किया गया ताकि किसी भी इलाके से टच ना हो, जो भी चीज है लेफ्ट वाले लेफ्ट में ही रहे और राइट वाले राइट में रहे, क्लियर है, इसलिए टेढ़ा मेढ़ा है। आप अपने मैम से पूछना, मैम इंटरनेशनल डेट लाइन टेढ़ा मेढ़ा क्यों है और इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होता है, पूछ तो सकते हैं ना, पूछेगा तो मैं आपको बता देता हूँ, वो बताएं चाहे नहीं बताएं, इंटरनेशनल डेट लाइन वो होती है जिस लाइन के लेफ्ट या राइट के हिसाब से डेट घटते और बढ़ते रहते हैं। तो मैम को कहिए मैम एक काम करो, सिलेबस में पत्थर खाना है चूरा बना के खा लो और दो गिलास दूध पी लेना, हमारा एजुकेशन सिस्टम मतलब क्या है ना गोबर का उपला हो रखा है, ना तो टीचर को पढ़ाना है और ना बच्चों को जानना है, बच्चे भी जाते छोड़ जाएं तो बच्चों को बना ही दिया गया ऐसा है, आपसे अगर 10 बार क्वेश्चन करो आपसे कहे आउट ऑफ सिलेबस हम नहीं करा रहे, बस बच्चे की हिम्मत है फिर पूछने की, छोड़ो यार क्या पूछना, और बच्चे को कौन सा है, स्विगी जोमेटो से सामान मंगाएंगे और दिन भर टीवी पे लगे रहेंगे गेम में, क्या मतलब है पढ़ने से यार, अब मेरे जैसा क्या कहते हैं सड़ू मास्टर्स के हत्थे चढ़ गए तब तो पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो टेढ़ी मेढ़ी इसलिए है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, क्योंकि ये किसी कंट्री के बीचों बीच अगर आ जाए तो दो एक ही देश के है ना दो हिस्से अलग अलग हो जाएंगे इधर उधर, तो वहां पर डेट अलग अलग हो जाएगी तो व्यवस्था खराब हो जाएगी वहां, है ना नियम कानून खराब हो जाएगा, इसलिए इस लाइन को ऐसा बनाया गया है कि किसी से भी ये क्रॉस ना करे, समझ रहे हैं ना, ये दोनों तरफ ऐसे ही है। अब देखो और ये तो क्लियर हो गया, और 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन होती है, और टाइम का मेरे से पूछो मत, मैं आपको बस ये बता देता हूं एक चीज जो आपको पढ़ना भी है कि ये स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन या स्टैंडर्ड टाइम की जरूरत क्यों होती है, भैया कहाँ गया, हाँ आ रहा है, ठीक है डिग्री है ना सबसे लास्ट में ही तो होगी ना, 0 डिग्री से वो गैप है ना उतने डिग्री का, 12 घंटे का टाइम जहां होगा वहीं पर जाएगा वो, पूरे दिन का नहीं 12 घंटे का, समझ रहे ना, इसलिए ऐसा होता है। एक सेकंड बेटा, जल्दी समझा दे, 3 मिनट है हमारे पास खत्म कर, टाइम है बेटा वो, खुल जा भाई जल्दी पेज, सिंदबाद खुल जा सिम सिम।
एक सेकंड रुक जाओ, वो कभी कभी गुस्से में भी आ जाता है ना, दिक्कत करता है, एक मिनट चलिए देखिए। क्वेश्चन अब ये है एक, जो कि आपके पेपर में 100% आएगा कि व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। पेज नंबर 50 निकालिए, आगे निकल, अरे पलटो आगे बढ़ो और इसको देखो ध्यान से, भारत मैया को। देखिए इस मैप को, एक मिनट भी बता दे जल्दी से हम, ये आपको दिख रहा है भारत का जो सबसे पश्चिमी छोर है वो 68 डिग्री ईस्टर्न मेरिडियन लाइन पे है, देशांतर रेखा, और ये 97 डिग्री पूर्वी पे है, और ये बीचों बीच 82.5 है, तो 82.5 भारत के बिल्कुल बीचों बीच है, जो कि मिर्जापुर से गुजरती है उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद के आसपास या प्रयागराज। तो यहाँ पर जो भी टाइम होगा उसी टाइम के हिसाब से गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सारे टाइम घड़ी में वही मिला दिए जाएंगे, ताकि पूरे देश में एक ही व्यवस्था बनी रहे। तो हर देश के बीचों बीच से, हर कंट्री के बीचों बीच से जो भी देशांतर रेखा या लैटिट्यूड लाइन गुजरती है, लॉन्गिट्यूड लाइन गुजरती है, उसी लाइन के हिसाब से हम उस देश का टाइम डिसाइड कर देते हैं, किसी भी जगह का हो। ठीक है, याद रखना, जो देश के बीचों बीच से जो को काटती है देशांतर रेखा, तो ये आपको पता है 82.5 डिग्री, देखो दोनों तरफ बिल्कुल बीचों बीच है,